वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉज और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना, तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम सीखेंगे विंडोज 10 को इंस्टॉल करना डिटेल में। ओके, तो जो लोग रेगुलर हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर पे, वो सोच रहे होंगे इसमें क्या नया, ये तो पहले से ही वीडियो पड़ी है विंडोज 10 पे। तो यस, बिल्कुल सही बात है कि ऑलरेडी चैनल पे विंडोज 10 को कैसे डाउनलोड, कैसे विंडोज 10 का मीडिया क्रिएशन टूल कैसे डाउनलोड करना है, फिर विंडोज कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे एक्टिवेट करना है, पूरा डिटेल में वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। वो मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू इंस्टॉल करके विंडोज को दिखाया है। ओके, जो लोग नए हैं चैनल से, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं चैनल से, ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं देखा होगा विंडोज को। तो आज के ट्यूटोरियल में नई चीज ये है, जो लोग रेगुलर हैं उनके लिए भी और जो नए लोग जुड़े हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर से उनके लिए भी नया ये है कि आज हम विंडोज 10 को इंस्टॉल करेंगे आईएसओ फाइल के थ्रू। विंडोज 10 का आईएसओ फाइल के थ्रू हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे। और दूसरी चीज ये कि जैसे पहले हमने क्या किया था कि जो ड्राइव है वो हमने विंडोज इंस्टॉल करने के बाद बनाया था। ओके, बट आज हम ड्राइव ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन क्रिएट करेंगे। जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी होता है वो हम विंडोज इंस्टॉल करते समय ही हम ड्राइव क्रिएट करेंगे। ओके, तो इन चीजों के लिए आपको सबसे पहले विंडोज की आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, कहीं और से नहीं करना, ये ध्यान रहे। ओके, इलीगल कुछ भी नहीं करना क्योंकि आजकल बहुत डेंजरस चीजें चल रही हैं, आपके सिस्टम को, आपके डेटा की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। तो आईएसओ फाइल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है इस पर वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, रूफस, RUFUS। ये भी आपको रूफस की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ओके, ये मैंने इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है उसमें, जो जिसमें मैंने बताया है कि माइक्रो ये विंडोज 10 को बूटेबल कैसे बनाएंगे, उस वाली वीडियो में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है रूफस डाउनलोड करने के लिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब रूफस डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद विंडोज 10 को बूटेबल बनाना है एक USB पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव कम से कम 8GB की होनी चाहिए। ओके, तो बूटेबल कैसे बनाना है इस पर भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आईएसओ फाइल हो गया, रूफस हो गया सॉफ्टवेयर, उसके बाद आपने बूटेबल बनाना है एक सही सलामत कंप्यूटर में। ओके, जिसमें आपको विंडोज इंस्टॉल करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वहां पर तो नहीं बन सकता, इसके लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा एक सही सलामत कंप्यूटर जहां पे आप बूटेबल बना सके। ओके, ये हो गई। दूसरी चीज ये कि आपके पास कम से कम 8GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। ओके, ज्यादा बहुत और अच्छी बात है। और ध्यान में ये भी रहे कि जो आईएसओ फाइल होती है वो करीब 5GB से ऊपर का होता है उसका साइज। ओके, तो ये हो गया। और आपको देखो, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, आपको कुछ चीजें और ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी विजन नहीं है तो कुछ चीजें हैं जो आपको केवल एक बार ही ध्यान में रखना, एक बार ही आपको देखना होगा अपने कंप्यूटर में, है ना। उसमें ये कि आपको देखना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में बूट वाली की कौन सी है। ओके, जब नया कंप्यूटर लेते हैं तो कुछ कंपनी क्या करती हैं, वो अपना जो बूट है उसको डिसेबल करके रखती हैं, वो आपको एक बारी इनेबल कराना पड़ेगा बायोस की सेटिंग से। ओके, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं।
दूसरी चीज ये कि आपको एक बार भी किसी की हेल्प से देखना पड़ेगा कि जब यूएसबी पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो जब उसके बाद जब बूट मेन्यू में जाते हैं कितनी बारी हम डाउन एरो प्रेस करें कि हमारा जो यूएसबी पेन ड्राइव है वो आ जाए। ये आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप याद रखेंगे कम से कम अपने सिस्टम में। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट चीज ये है कि लाइसेंस की आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर जब खरीदा है, अगर उसमें विंडोज 10 के साथ आपने कंप्यूटर परचेज किया है, तो क्या होता है कि आजकल जो कंपनीज होती हैं वो जो लाइसेंस होता है वो मदरबोर्ड में ही डाल देती हैं, इसलिए आप जितनी बार भी विंडोज इंस्टॉल करेंगे आप वो लाइसेंस अपने आप ले लेगा जब आप एक्टिवेट करेंगे विंडोज को। ओके, तो इसके लिए भी कोई इशू नहीं है। अगली चीज ये कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक अच्छी कंपनी का हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो साउंड कार्ड होता है वो इनबिल्ट होता है। अगर आप असेंबल्ड कंप्यूटर है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा, उसमें ये कि आपको एक साउंड कार्ड लाना पड़ेगा, साउंड कार्ड अरेंज करना पड़ेगा और एक स्पीकर अरेंज करना पड़ेगा जिससे कि नरेटर की आवाज़ आप सुन सकें। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब हम इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं अभी हम शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको अपना सिस्टम बिल्कुल से शटडाउन कर देना है। ओके, बिल्कुल पूरा शटडाउन होना चाहिए सिस्टम। ओके, उसके बाद बेहतर होगा अगर आपका बिल्कुल भी विजन नहीं है तो आप एक काम करें, जो बूट वाली की है वहां पर आप एक फिंगर रख लीजिए पहले से। ओके, उसके बाद पावर बटन से आपको सिस्टम ऑन करना है। देखिए, जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करेंगे वैसे ही आपको बूट वाली जो की है वो प्रेस करना शुरू करना है, करीब 6 से 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से प्रेस करते जाना है कंटिन्यू। ओके, ये आप करेंगे क्योंकि कंटिन्यू प्रेस करते तभी बूट मेन्यू ओपन होता है। आप काउंट करके प्रेस करिए 6 से 7 बार, बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये तो आपने देखी लेंगे कि कितनी बारी डाउन एरो प्रेस करें तो यूएसबी पेन ड्राइव आ जाए। उसके बाद आप डाउन एरो प्रेस करके यूएसबी पेन ड्राइव पर जाएंगे, वहां पे एंटर प्रेस करेंगे, 1 मिनट लगेगा, विंडोज लोड होगी। उसके बाद आप नरेटर का कमांड देंगे कंट्रोल विंडोज एंटर और नरेटर ऑन हो जाएगा। ओके, ये चीजें हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा जो लैपटॉप है पूरी तरीके से शट डाउन है। ओके, अब मैं यहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट करूंगा, इसमें मैंने बूटेबल बना लिया है विंडोज 10 को। ओके, मेरी पेन ड्राइव है 32 GB का, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ अपने लैपटॉप में। ओके, पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब जो बूट वाला की है मेरे में, जो मेरा लैपटॉप है एसर कंपनी का, इसमें बूट वाली जो की है वो F12 है। ओके, तो ओके, तो मेरे में F12 है, कहाँ है, हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा, पावर बटन से कंप्यूटर को ऑन करूँगा। मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू मैं बूट वाली की प्रेस करूँगा। मैं प्रेस कर रहा हूँ बूट मेन्यू ओपन करने के लिए F12। ओके, ऐसे ही आपको भी प्रेस करना है। तो देखिए बूट मेन्यू यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, अब मैं एक बारी डाउन एरो प्रेस करूंगा, मेरे कंप्यूटर में एक बारी डाउन एरो प्रेस करने पे यूएसबी पेन ड्राइव आ जाता है। ओके, तो मैं एक बारी डाउन एरो प्रेस करता हूँ, प्रेस किया और एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। अब विंडोज लोड हो रही है। ओके, 1 मिनट लगेगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट करना है, विंडोज लोड होगी। मेरा पर्पस है कि एक बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, जिसको बिल्कुल भी विजन नहीं है, वो भी विंडोज इंस्टॉल कर पाए बेवजह का। 400-500 रुपए नहीं देना कहीं पे जाके, किसी से इंस्टॉल कराने जाओ तो 400-500 रुपए लेते हैं, उन पैसों को हम कहीं और यूज कर सकते हैं। ओके,
तो विंडोज लोड हो चुकी है। अब मैं नरेटर के लिए कंट्रोल विंडोज एंटर प्रेस करूंगा। देखिए आपको आवाज आएगी। स्टार्टिंग नरेटर विंडोज सेटअप विंडो इंस्टॉल विंडोज लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स्ड ऑल्ट प्लस ई। ओके, देखा विंडोज सेटअप लोड हो चुका है, नरेटर ने बताया। इसमें लैंग्वेज जो आप विंडोज जब आप आईएसओ फाइल डाउनलोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, तो जो आप लैंग्वेज वहां पे सेलेक्ट करेंगे डाउनलोड करते समय, वही यहां पे शो करेगा। तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स किया था जब विंडोज डाउनलोड किया था, तो यहां पे वही आ रहा है, तो यही आपको रखना है। ओके, मैं अब टैब प्रेस करूंगा। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स्ड ऑल्ट प्लस टी। कुछ नहीं करना, आपको टैब प्रेस करना है, नेक्स्ट पे जाना है। कीबोर्ड और इनपुट मेथड यूएस। ओके, यहाँ कीबोर्ड में भी वही रहने दो, लैंग्वेज में भी। ये सब आप बाद में इंस्टॉलेशन के बाद आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे टैब प्रेस करना है। नेक्स्ट बटन आया, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। इंस्टॉल नाउ बटन ऑल्ट प्लस आई। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्टॉल नाउ और रिपेयर। रिपेयर हम तब करते हैं जब हमारे कंप्यूटर हमारे विंडोज में कोई माइनर प्रॉब्लम हो, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम रिपेयर करते हैं। अभी हम फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, देखिए मैं टैब प्रेस करूंगा, आपको दिखा देता हूँ। रिपेयर योर कंप्यूटर इंस्टॉल नाउ बटन। तो इंस्टॉल नाउ बटन पे एंटर प्रेस करना है। इंस्टॉल विंडोज विंडो, देखिए थोड़ा सा लो टाइम ले रहा है यहाँ पे। विंडोज सेटअप विंडो यूआर I accept the license terms checkbox unchecked, Alt plus A। अब यहाँ पे आपको ये terms and condition है विंडोज की, ये आपको यहाँ पे चेक लगाना है स्पेस बार से। ओके, स्पेस चेक, ये लाइसेंस लाइसेंस अग्रीमेंट है। ओके, तो ये लाइसेंस अग्रीमेंट को चेक करना होगा स्पेस बार से, देन टैब प्रेस करना है। नेक्स्ट बटन Alt plus N, नेक्स्ट बटन पे एंटर। अपग्रेड Install Windows and keep files, settings, and applications. The files, settings, and applications are moved to Windows with this option. This option is only available when a supported version of Windows is already running on the computer. Button, Alt plus U. अब देखें यहाँ पे दो चीजें आ रहा है, upgrade कर रहा है और टैप करेंगे तो custom, custom आएगा, back, button, back आ रहा है, install type, upgrade. ओके, तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल टाइप चूज करना है, अपग्रेड या फिर कस्टम। अपग्रेड में क्या होता है कि कस्टम अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड कीप फाइल्स सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस द फाइल्स सेटिंग्स, इसमें क्या होगा कि अपग्रेड करने पे हमारी विंडोज अपग्रेड हो जाएगी। ओके, और आपकी जो भी फाइल्स हैं सेटिंग्स है वो एज इट इज रहेंगी, कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा, यानी कि सिस्टम फॉर्मेट नहीं होगा अपग्रेड में। ओके, तो अगर फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना है, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, तो कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस्ड द फाइल्स सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस आर मूव्ड टू विंडोज विद दिस ऑप्शन। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस टू पार्टीशंस एंड ड्राइव्स स्टार्ट द कंप्यूटर यूजिंग द इंस्टॉलेशन डिस्क, वी रेकमेंड बैकिंग अप योर फाइल्स बिफोर यू कंटिन्यू बटन ऑल्ट प्लस सी। आप देखिए कस्टम में करेंगे तो आपका फाइल्स एंड सेटिंग्स सब कुछ डिलीट हो जाएगा, यानी कि विंडोज पूरी फॉर्मेट हो जाएगी, इसलिए विंडोज रिकमेंड करती है कि आप अपने डेटा को स्टोर करके रखें। तो हम कस्टम में करेंगे, हमें फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना है, लैपटॉप फॉर्मेट करना है, तो कस्टम में एंटर करेंगे। अपग्रेड कस्टम इंस्टॉल, ओके, अपग्रेड नहीं करना, तो कस्टम में मैं एंटर करूंगा। लिस्ट व्यू कंट्रोल एंटर टेबल लिस्ट व्यू कंट्रोल 555 drive 0 partition 3 total size 99. आप देखिए जैसे ही कस्टम में एंटर किया, अब यहाँ पे ड्राइव की लिस्ट आ चुकी है। ओके, अब यहाँ से अगर आपको केवल फॉर्मेट करना है तो आप सी ड्राइव पे कर्सर रखिए और टैब से जाएंगे तो फॉर्मेट बटन आएगा, फॉर्मेट करके आप विंडोज इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, लेकिन आज हम ड्राइव भी क्रिएट करेंगे इसी अभी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे देखिए आप एंड डाउन एरो से आप एक्सेस करेंगे तो आपको ड्राइव की लिस्ट मिल जाएगी, आपके सिस्टम में जितनी भी ड्राइव हैं। ओके,
फिलहाल मेरे सिस्टम में दो ड्राइव हैं, सी और डी, मैं दोनों को डिलीट करूंगा दोनों, ओके? मैं drive zero partition 1 total size 100.0 MB free space 69.0 MB 1 of 5. ओके, इसमें कुछ ड्राइव ऐसी शो करती हैं जो विंडोज अपने आप क्रिएट करता है, उसको हमें ध्यान नहीं देना, ओके? जैसे ये अभी मैंने आपको सुनाया, अगेन मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। drive zero partition 2 total size 16.0 MB free space 16.0 MB 2 of 5. ये भी, इसको भी ध्यान नहीं देना, अगेन डाउन एरो प्रेस करूंगा। drive zero partition 3 total size 99.4 GB free space 77.3 GB 3 of 5. ये देखिए 99 point something GB का है ना, तो ये मेरा सी ड्राइव है जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड है, ओके? तो यहाँ पर कर्सर रखना है और अगेन इसके बाद टैप प्रेस करना है, एक्सिट टेबल रिफ्रेश बटन, रिफ्रेश, अगर ड्राइव की लिस्ट नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, अगेन टैप प्रेस करना है, डिलीट बटन, देखिए डिलीट आया, एक बार और मैं टैप करता हूँ, देखिए फॉर्मेट आया, अगर आपको डिलीट नहीं करना तो फॉर्मेट करके आप सिंपल विंडोज इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डिलीट करता हूँ ड्राइव को, शिफ्ट टैप किया मैंने, डिलीट पे एंटर, विंडोज सेटअप डायलॉग कैंसिल बटन, जैसे आप इमेज, जैसे आप डिलीट पे एंटर करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कैंसिल और ओके, कैंसिल कर देंगे तो आप वहीं पे आ जाएंगे, ओके कर देंगे तो ड्राइव डिलीट हो जाएगी, मैं ओके करता हूँ, टैप प्रेस करूंगा, ओके बटन, ओके पे एंटर, Windows setup window, list view control, enter table list view control, 555, drive zero partition 1 total size 100.0. Okay, तो हम वहीं पे, फिर से हमारा कर्सर आ गया जहाँ पे ड्राइव की लिस्ट है, तो ये वाली तो डिलीट हो गई है, एक और है, मैं डाउन एरो से जाऊंगा, drive zero partition 2 total size 16.0 MB free, ये विंडोज की अपनी है, drive zero unallocated space total size 99.4 GB, ये unallocated space बन गई है जो हमने अभी डिलीट किया है, जितनी भी आप ड्राइव डिलीट करेंगे पूरा unallocated space में क्रिएट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, एक बार डाउन डाउन एरो प्रेस करूंगा, drive zero partition 3 total size 522.0 MB free space 522. ये विंडोज की अपनी है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, drive zero partition 4 total size 831.5 GB free space 831.4 GB. देखिए ये है 835, ऐसे करेंगे 831.5 GB, 831 के आसपास जीबी का एक ड्राइव है, ओके? इसको भी हम डिलीट करेंगे, drive zero partition 4 total size 831.5 GB, ओके 831.5 GB, यहाँ पे कर्सर रखना है, जिस भी ड्राइव को डिलीट करना है कर्सर रखना है और टैप प्रेस करना है, एक्सिट टेबल रिफ्रेश डिलीट बटन, डिलीट पे प्लस टी, डिलीट पे एंटर प्रेस करना है, विंडोज सेटअप डायलॉग कैंसिल बटन, ओके विंडोज सेटअप कैंसिल और ओके आया, टैप करना है ओके पे, ओके बटन, ओके पे एंटर, विंडोज सेटअप विंडो लिस्ट व्यू कंट्रोल एंटर टेबल, तो हमारी ड्राइव सारी डिलीट हो चुकी है, ओके? अब हम ड्राइव क्रिएट करते हैं, drive zero part, अब ड्राइव क्रिएट करने के लिए डाउन एरो से आपको ढूंढना है, सर्च जाना है अनएलोकेटेड स्पेस पे, क्योंकि अब जितने भी स्पेस है विंडोज में वो अनएलोकेटेड स्पेस में चेंज हो चुका है, ओके? तो अब मैं जाता हूँ डाउन एरो से, अनएलोकेटेड स्पेस आपको ढूंढना है, drive zero partition 2 total size 16.0 MB free space 16.0 MB, ये नहीं है, ये विंडोज अपने आप क्रिएट करती है, drive zero unallocated space total size 99.4, देखिए ये unallocated space है, ओके? unallocated space पे कर्सर रखना है आपको, drive zero unallocated space total size 99.4 GB free space 99.4 GB 3 of 5, यहाँ पे कर्सर रखना है और टैप प्रेस करना है, exit table refresh button, refresh button, new button पे enter press करना है, okay? मैं press करता हूँ, size in megabytes edit control edit 100, अब यहाँ पर आपको size देना है drive का, कितना GB आप drive रखना चाहते हैं, तो ये वाली drive
मैं 100 GB के आसपास का रखूंगा क्योंकि इसमें विंडोज इंस्टॉल करनी है। ओके, इसमें मुझे डेटा रखना नहीं है, तो 100 GB इनफ है विंडोज के लिए। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मैं 100 GB ही रखूंगा। तो यहाँ पे आपको साइज टाइप करना है मेगाबाइट में, जीबी में नहीं। ओके, मेगाबाइट में आपको यहाँ पे साइज टाइप करना है, एंटर करना है। ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1017761। ओके, ये टाइप करना है। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पे टाइप हो रखा होगा, उसे आप डिलीट कर देंगे, उसके बाद आप टाइप करेंगे। ओके, अदरवाइज फिर उसमें डबल डबल हो जाएगा, उसमें एरर आने की संभावना है। पहले आप न्यू पे एंटर करने के बाद एडिट बॉक्स आएगा, वहाँ पे डिलीट करिए बैक स्पेस से, उसके बाद अपना एंटर करिए जो भी आपको साइज देना है। ये आप पहले से कैलकुलेट करके रख लीजिए। ओके, फोन में, फोन के कैलकुलेटर में, वहाँ पर कैलकुलेटर में आता है। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया MB में, अब टैब प्रेस करना है, अप्लाई बटन, अप्लाई बटन पे एंटर प्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पर ये एक ड्राइव क्रिएट हो चुकी है, देखते हैं कितना बनाया है इसने। Drive 0 partition 3 total size 99.4 GB। ओके, ये 99 GB का है ड्राइव बना है। ओके, ये वाली ड्राइव ठीक है, 100 पूरा 100 तो नहीं हुआ, वो इधर थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। अगेन ये वाली ड्राइव हो गई है, एक और ड्राइव क्रिएट करना है। मैं दो ही ड्राइव क्रिएट करूंगा, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। Drive 0 partition, drive 0 unallocated space total size 830। देखिए ये आया दूसरा unallocated space, unallocated space पे कर्सर रखना है और टैब प्रेस करना है। Exit table, refresh button, refresh button आया, new button, new button पे जाना है टैब से और एंटर प्रेस करना है। Size in megabytes, edit control, edit 851,000। देखिए अब क्या होता है कि मुझे दो ही ड्राइव क्रिएट करना है, तो 99 GB का पहला ड्राइव हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना भी हार्ड डिस्क का साइज बचा है वो यहाँ पे विंडोज ने दे दिया है। अब अगर मुझे तीन ड्राइव क्रिएट करना होता तो इसको डिलीट करके मैं अपने हिसाब से यहाँ पे डालूंगा। जैसे मान लो अगर मुझे 500 GB का क्रिएट करना है तो उसमें मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे 524,000। इस तरीके से डालेंगे तो 500 या उससे ज़्यादा का, एक उससे ज़्यादा जीबी का एक ड्राइव क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जाएंगे अनएलोकेटेड स्पेस पे, तो 200-300 GB का कुछ और बचेगा, आप वहाँ पे तीसरी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक ड्राइव क्रिएट होने के बाद जितना भी साइज बचता है वो आपको यहाँ पे दे देता है विंडोज। यहाँ पे मुझे दे दिया इसने साइज इन मेगाबाइट। देखिए मैं आपको देता हूँ 8514 69, ये दे दिया है। MB में है ये, 800 GB के आसपास का है। तो मैं, मुझे क्या करना, दो ही ड्राइव क्रिएट करनी है, तो मैं इसी को रहने दूंगा, कुछ भी मैं चेंज नहीं करूंगा। आप कर लेना अगर आपको 3-4 ड्राइव क्रिएट करनी है। तो अब टैप करना है, अप्लाई बटन पे एंटर प्रेस करना है। ओके, ड्राइव जीरो पार्टीशन, तो हमारी मेरी दो ड्राइव क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, अब क्या करना है, आपको बारी बारी से जितनी भी आपने ड्राइव क्रिएट की है उनको फॉर्मेट करना है। ओके, तो मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, दो ड्राइव हैं। ड्राइव जीरो पार्टीशन 5 टोटल साइज 800, ड्राइव जीरो पार्टीशन 3 टोटल साइज 99.4। ओके, ये 99 GB वाला है ड्राइव, यहाँ पे कर्सर रखना है और टैब से जाना है फॉर्मेट बटन पे। Exit table, refresh, delete button. Okay, delete button, delete नहीं करना, हमने बना लिया ड्राइव। Format button. Format button आया, यहाँ पे enter press करना है। Windows setup dialog, cancel button. अब देखिए यहाँ भी जब format करते हैं तब भी cancel और okay का दो बटन आते हैं, तो cancel करेंगे तो format नहीं होगा, तो हमें format करना है तो okay पे जाना है टैब से। Okay button. Okay button पे enter. Windows setup window, list view control. Okay, ये ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है जिसमें विंडोज इंस्टॉल करना है। अब एक ड्राइव और बच रही है,
Drive 0 partition 5 total size 831.5 GB free space 831.5 GB 5 of 5 selected. ओके तो एक ड्राइव और है ये 800 कुछ की जीबी की, इसको भी यहाँ पे कर्सर रखना है और drive 0 partition 5 total size 831.5 GB free space 831. ओके ये 831 उतना ही है जितना बचा है, तो 800 ये वाला ड्राइव फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे कर्सर रखना और टैब पे जाना है फॉर्मेट बटन पे, एक्सिट टेबल डिलीट बटन, डिलीट फॉर्मेट बटन, फॉर्मेट बटन पे एंटर प्रेस करना है. Windows setup dialog. Cancel button. Okay, cancel और okay आ रहा है. टैब से जाना okay पे. Okay button. Okay पे enter. Windows setup window. List view control. Okay, तो drive format हो चुकी है दोनों. आपको भी आपने जितनी भी drive create करना है वो उसको format कर लेंगे. अब आपको किस drive में Windows install करना है वहाँ पे जाना है. Drive 0 partition 5 total size 830. Drive 0 partition 3 total size 99.4 GB free. Okay, ये जो 99 GB का है ड्राइव, इसमें मुझे विंडोज इंस्टॉल करना है. अप एंड डाउन एरो से आपको यहाँ पे कर्सर मूव करना है. ओके यहाँ पे अप एंड डाउन एरो से आपको देखना है ऑप्शंस को. तो ये जो 99 GB का है यहाँ पे मुझे विंडोज इंस्टॉल करना है. जिस भी ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल करना है वहां पर आप सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे. Drive 0 partition 3 total size 99.4 GB. यहाँ पे एंटर प्रेस करना है. Exit table. Windows setup window. Copying Windows files. 0%. Getting files ready for installation. देखिए. 0%. Windows install होना शुरू हो गई है. अब इसमें टाइम लगेगा करीब 15 से 20 मिनट का. वो आपको वेट करना पड़ेगा. ओके? Getting files ready for installation, 6%. देखिए 6% हो चुका है. थोड़ा सा टाइम लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा. ओके मुझे लगता है कि ट्यूटोरियल भले थोड़ा सा लंबा हो जाए बट समझ में आनी चाहिए चीजें. ओके मेरी कोशिश यही रहती है. 16%. तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा किया है कि नरेटर Getting files ready for installation. इतना अच्छा बना रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं कि हम नरेटर के थ्रू विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं. पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी 7-8 विंडोज में. विंडोज 11 का नरेटर और बहुत अच्छा हो गया है. अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप कहीं ट्राई कर सकते हैं. अगर आपका लैपटॉप आपका कंप्यूटर 8th जनरेशन का है तो विंडोज 11 इंस्टॉल हो सकती है. 8th जनरेशन का है और आप परचेज करते समय अगर आपको विंडोज 10 मिला है तो आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके लेकिन आपको उसमें वहाँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में एक मिलता है विंडोज 11 असिस्टेंट करके, उसके थ्रू आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज 10 वाले कंप्यूटर में. files ready for installation, 60%. उसका नरेटर बहुत अच्छा हो गया है, कंपैरेटिवली अच्छा है विंडोज 10 से. Getting files ready for installation, 73%. 8th जनरेशन से नीचे के सिस्टम में जो विंडोज 11 है वो इंस्टॉल नहीं होगी, वो काम नहीं करेगी. ओके Getting files ready for installation, 88%. तो 88% हो चुका है, वो इंस्टॉल हो रहा है. Getting files ready for installation, 92%. ओके तो 92 हो गया. अभी टाइम लगता है विंडोज इंस्टॉलेशन में. इस बीच अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो थोड़ा सा रुक के आप वीडियो को लाइक करिए
ये बढ़िया एक तरह से बढ़िया मौका है क्योंकि टाइम लग रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। Installing features. देखिए अब कुछ इसमें फीचर्स इंस्टॉल हो रहा है। Installing updates. Installing updates. Finish. Restart now. Button. Alt plus R. Narrator dialogue. Okay. But. हाँ देखिए अभी यहाँ पे आया ना restart now. आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ही रिस्टार्ट हो, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, अपने आप ये विंडोज रिस्टार्ट हो गई है। अब ये दो तीन बारी रिस्टार्ट होगी, आपका कंप्यूटर दो तीन बारी रिस्टार्ट होगा। इसके बाद आपको करीब वेट करना है, करीब 9 से 10 मिनट तक। 9 से 10 मिनट के बाद जनरली जो कोर्टाना होती है वो अपने आप बोल जाती है, अगर नहीं बोलती तो आप नरेटर ऑन करने की कमांड दे सकते हैं, कंट्रोल विंडो एंटर। अगर सिस्टम ऑन होगा तो नरेटर बोल जाएगा, अगर नहीं बोलता तो आपको थोड़ा सा और वेट कर लेना है। ओके तो अभी सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके 8 से 10 मिनट तक। ओके योर रीजन इज सेट टू यूनाइटेड स्टेट्स, इज दैट राइट? तो देखिए यहाँ पे कोर्टाना बोल चुकी है। ओके आप सुन पा रहे होंगे, अब मैं नरेटर को ऑन कर लेता हूँ कंट्रोल विंडो एंटर से, मैं प्रेस करता हूँ। नरेटर डायलॉग ओके, देखिए नरेटर ऑन हुआ। ओके आ रहा है, ओके कर दीजिए आप स्पेस बार से नरेटर को। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट विंडो, विंडो सेटअप बेसिक्स स्टेप 2 of 5। ओके तो यहाँ पे कोर्टाना आपको बीच बीच में बोलेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, डोंट लेट मी होल्ड यू अप, जस्ट पिक द वन यू वांट फ्रॉम द लिस्ट। ओके आप शिफ्ट टैप करिए एक बार, कंट्रोल बार माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट विंडो, कंट्रोल बार डिसेबल वॉइस कंट्रोल बटन स्पेस, ये डिसेबल वॉइस कंट्रोल आता है, यहाँ पर आना है आपको शिफ्ट टैब से, यहाँ पे एक बारी स्पेस बार करेंगे तो ये कोर्टाना डिसेबल हो जाएगी, फिर बीच बीच में नहीं बोलेगी। ओके मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है, डिस्टर्बिंग लगता है ये, इसलिए मैं इसको डिसेबल मैंने कर दिया है। अब हम नरेटर के थ्रू काम करेंगे। अब देखिए यहाँ टैप करना है वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम हम इसका बढ़ा लेते हैं। ओके ये वॉल्यूम आ रहा है, स्पेस बार करना है, स्पेस वॉल्यूम कंट्रोल विंडो वॉल्यूम स्लाइडर 67%। ओके यहाँ पे डिफॉल्ट 67% होता है, आप यहाँ पे अप एरो करेंगे तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके 100% हो गया है, अब आप एस्केप कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट विंडो, विंडो सेटअप बेसिक्स स्टेप 2 of 5, रीजन सिलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स 239 of 249। ये यहाँ पे अब रीजन सिलेक्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे, आप यहाँ से इंडिया भी ले सकते हैं। ओके और ये आप बाद में भी कर सकते हैं विंडोज इंस्टॉल करने के बाद, यहाँ भी आप अप एंड डाउन एरोस जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा यहाँ मिलेगा जिसमें आप इंडिया को ढूंढ सकते हैं। ओके मैं फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही कंटिन्यू करूंगा, टैप प्रेस करना है, yes. button. Yes पे enter press करना है. Yes, Windows setup. Just a moment. Keyboard selection. US 1 of 95. यहाँ पे keyboard selection में US है, आप यहाँ भी choose कर सकते हैं अपने according. मैं US को ही continue करूँगा. तो tab press करना है. Yes button. Yes button पे enter press करना है. Skip button. अब यहाँ पे आ रहा है second keyboard selection का. देखिए tab press करना है. Control bar. Enable volume. Windows setup. Back, but want to add a second keyboard layout? Add layout button. यहाँ पे पूछ रहा है want to add a second keyboard layout. Okay, अगर आपको second keyboard add करना है तो यहाँ पर आप enter करेंगे तो आपको keyboard के options मिल जाएंगे. मुझे नहीं करना. Okay, तो मैं skip करूँगा. Skip button. एक keyboard में ठीक है, काम चल जाएगा. Skip पे enter press करना है. Skip. Windows setup. Just a pane. Network connection flow window. अब यहाँ पे इंटरनेट के लिए ये बोल रहा है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, तो आप इंटर कनेक्ट मत करिए इंटरनेट, क्योंकि वहाँ पे फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह लॉगिन करने के लिए आएगा, है ना? तो आप ये बाद में कर लेना, यहाँ पे फिर टाइम लगता है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, तो
टैप करिए, देखिए आएगा एक कनेक्ट बटन, कनेक्ट आ रहा है। यहाँ पर जितने भी वाईफाई आपके सामने ओपन होंगे आपके आसपास वो यहाँ पे शो हो जाता है। ओके कनेक्ट ऑटोमेटिकली, ये एरल अंडरस्कोर सिक्योर्ड सिक्योर्ड सिग्नल, अप एंड डाउन एरो करेंगे तो अगर आपका कोई वाईफाई है तो उसका नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा। मुझे फिलहाल नहीं करना, इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना, तो टैप प्रेस करना है। कनेक्ट कनेक्ट बटन लिंक, आई डोंट हैव इंटरनेट, आई डोंट हैव इंटरनेट आ रहा है लिंक करके, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। Microsoft, there's more to discover when you connect to the internet. Connect now button. Okay, आप वहाँ पे करेंगे तो ये फिर से आपको बोलेगा कि फिर से आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। तो अगेन आप टैप प्रेस करिए। Control bar, enable voice volume, Windows setup, back. There's more to this exit table. Continue with limited setup button. Continue with limited setup. ये आ रहा है बटन, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। Windows setup, just a moment. At who's going to use this PC? Name, edit. अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देना है, कौन पीसी यूज करेगा। आप अपना पीसी यूज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आप अपना ही नाम देंगे, आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ओके नेक्स्ट, नेम एडिट, यहाँ पे मैं नेम टाइप कर देता हूँ, ये जिस कंपनी का लैपटॉप है मैं उसी का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एसर ACER CAPECER। ओके जो भी नाम आपको यहाँ देना है आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और टैप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे एंटर। पासवर्ड, अब यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए आ रहा है, जो भी आपने नाम दिया है एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी यूजर का नाम दिया है आपने, उस यूजर के लिए एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप टैप करेंगे, देखिए नेक्स्ट बटन है, पासवर्ड आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो मैं पासवर्ड अभी क्रिएट नहीं करूंगा, नेक्स्ट बटन पे एंटर प्रेस करना है, जो एडिट बॉक्स है उसे ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट बटन पे नेक्स्ट बटन एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट विंडोज सेटअप, जस्ट अ मोमेंट, एट लेवल टू चूज प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस, एक्सेप्ट बटन। अब यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स है, इसको एक्सेप्ट करना ही है। ओके एक्सेप्ट बटन, एक्सेप्ट पे एंटर। विंडोज सेटअप, लेट कॉर्टाना हेल्प यू गेट थिंग्स डन, एक्सेप्ट बटन। अब यहाँ पे ये नरेटर बोल रहा है कि अभी थोड़ी देर के लिए बीच में क्या होगा कि नरेटर शायद नहीं बोलेगा, तो नरेटर बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि कॉर्टाना हमारी हेल्प करे तो आप उसे एक्सेप्ट करो। ओके तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो एक्सेप्ट बटन पे एंटर। विंडोज सेटअप, जस्ट पेन, ऑलमोस्ट डन नाउ, we just need to get a few more things polished up for you and windows will be all yours. Okay so windows looking forward, dekhiye narrator chup ho gaya, getting your pc ready, aaya starting narrator minutes, desktop pain, dekhiye desktop window aa gayi hai lekin thoda sa abhi yahan pe time lagega. Okay thoda sa wait karna hai. Desktop 1 pain, desktop bol raha hai aa chuka hai but abhi thoda sa प्रोसेस चल रहा है। Getting your PC ready. देखिए, getting your this PC might take ready. A few minutes. Don't turn off your PC. Okay, कुछ करना नहीं अभी आपको। Toast notification from Microsoft Edge region. Browse the web with Microsoft Edge, the new browser recommended by Microsoft for your PC. ये toast notification आ गया है Microsoft Edge का, तो आप इसे सेट कर लीजिए। Getting your PC ready. This might take a few minutes. अभी हो रहा है इसमें. Don't turn off your PC. प्रोसेस अभी चल रहा है. ओके आप ऑल टैप करके चेक कर सकते हैं, ऑल टैप प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. अभी ऑल टैप प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है. ओके अभी इसमें प्रोसेसिंग चल रही है. Getting your PC ready. देखिए. This might take a few minutes. नरेटर हमें बता रहा है. New notification from settings, searching for display आप देखिए पूरी तरीके से ये हमारी जो विंडोज है वो इंस्टॉल हो चुकी है. ओके आप ऑल टैप प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए हो रहा है. नरेटर ये टोस्ट नोटिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एज की, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए. टैप प्रेस करेंगे देखिए. गेट स्टार्टेड button. Get started आ रहा है, यहाँ पे enter. Onboard new tab, profile 1, Microsoft Edge window,
App loading complete, scan, onboarding experience, a fast, safe, and productive web browser that works for you at level 2. Welcome to the new Microsoft Edge at level 1. First run experience tab contains... Okay, ye Microsoft Edge hai. Ab tab press karenge. First run complete setup button. Complete setup button pe enter. Sign into sync data button. अब यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं, आपसे ईमेल आईडी वगैरह आप मांगेगा, ओके? मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। Continue without signing in button. Continue without signing in, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। Loading scan off, loading complete, new tab, profile 1, Microsoft Edge window, app bar. ओके, अब ये Microsoft Edge भी रेडी हो चुका है, इसको आप कर ही लेना है क्योंकि ये जरूरी है, ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा फिर, और Microsoft ब्राउजर अच्छा है, बढ़िया है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और अच्छे से काम करते हैं इसके साथ। आपको बीच बीच में बता, जैसे कुछ वेब ब्राउजर ओपन कर रहे हो तो ये इसमें बोलता है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर लोडिंग, जब लोड हो रहा है तो प्रोसेस चल रहा था तो बोलता है लोडिंग, जब हो चुका होता है तो बोलता लोडिंग कम्प्लीट, है ना। क्रोम में इस तरह से नहीं बोलता, तो आप क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज दोनों ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये ब्राउजर की सेटिंग्स भी कम्प्लीट हो चुकी है, अब इसे मैं Alt F4 से बंद कर दूंगा। Narrator dialogue, okay, button. Okay, narrator आया, यहाँ पे okay कर दीजिए। Space. Narrator. आप देखिए डेस्कटॉप पे हम आ सकते हैं, मैं विंडोज D प्रेस करता हूँ। Recycle bin. देखिए. One of two. डेस्कटॉप आ चुका है, recycle bin बोला, है ना? Microsoft Edge. ये ऐसा। अब आप अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं, मैं पेन ड्राइव को रिमूव कर रहा हूँ। Microsoft Edge. Okay. मेरी पेन ड्राइव रिमूव हो चुकी है। अब दिस पीसी में चलेंगे, देखते हैं हमारी दोनों ड्राइव क्रिएट हुई या नहीं। स्टार्ट विंडो सर्च, ओके सर्च पे मैं टाइप कर लेता हूँ। अभी दिस पीसी डेस्कटॉप पे आइकॉन को सेट करना पड़ेगा, इस पर भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है चैनल पे, कैसे आइकॉन को सेट करना है डेस्कटॉप पे। ओके, अगर आपने नहीं अभी सेट किया अपने सिस्टम में तो आप जाके देखिए वीडियो और अपने सिस्टम में डेस्कटॉप के आइकॉन्स को सेट करिए। मैं फिलहाल अभी मैनुअली यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सजेशंस अवेलेबल Alt tab item 1 of 4 selected. Find this PC. Okay, this PC आया, यहाँ पे enter. Pane. This PC window folders 3D objects. देखिए this PC open हो चुका है, अब मैं यहाँ पे right arrow press करूँगा drive पे जाने के लिए. Desktop. Two, documents. Three, downloads. 4 of 7 music. 5 of pictures. 6 of 7 videos. 7 of 7 devices and drives. Local disk, C. देखिए, ये C drive है. Local disk, C. Selected. जिसमें Windows install है, okay? एक बार और right arrow press करूँगा मैं. Local disk, D. देखिए. 2 of 3. Local disk, D. Selected. है ना? ये D drive भी हमारा create हो चुका है. यहाँ पर आप data अपना store कर सकते हैं, okay? DVD-RW drive. ये DVD driver के लिए है आगे. ओके राइट आरो मैंने एक बार और मैंने राइट आरो प्रेस किया, ये सीडी राइटर का आ चुका है, डीवीडी राइटर का. लोकल डिस्क डी. देखिए यहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि यहाँ पे इस ड्राइव में अभी कुछ भी नहीं है. बैक स्पेस करके मैं दिस पीसी में आऊंगा. डिवाइसेस एंड ड्राइव्स लोकल डिस्क डी. लोकल डिस्क सी. ओके, तो इस तरीके से आपको विंडोज इंस्टॉल करना है, पूरा लैपटॉप फॉर्मेट करना है, ओके, और ड्राइव इस तरीके से ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन क्रिएट करनी है. आप बाद में भी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो अवेलेबल है चैनल पे. ओके, तो उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए. चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, अगर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक डाल सकते हैं. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.